ओके, तो आज से कुछ समय पहले मैंने एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीज़न 1 का रिव्यू करा था एंड मैंने भाई उसी के अंदर बोल दिया था कि ये सीरीज़ एक्चुअली में काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी है। तो क्या सीज़न 2 उस चीज़ को मेंटेन कर पाता है, बताऊंगा। पूरी वीडियो देखो, वॉच टाइम यू नो, यूट्यूब पर रह रहे के भाई ये सारी चीज़ सीख ही गया मैं। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलता है। खैर, फालतू की बकवास साइड, शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्टिंग डिपार्टमेंट के साथ। तो भाई बताया जाए तो भाई एक्टिंग सबकी ही एकदम लाजवाब थी। सबने अपने आप को एक काफ़ी ज़्यादा कम समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट करा दिया, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। उसके अलावा इसके अंदर के जो भाई विजुअल्स और VFX वगैरह दिखाए जाते हैं जितने भी थे, वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे थे। उसके अलावा इसके अंदर जिस तरीके से भाई ये वॉयलेंस का इस्तेमाल करते हैं, वो भाई एक्चुअली में बहुत बहुत अच्छा था। मजाक से हटके आई थिंक 5वें या 6वें एपिसोड के अंदर था, इट वॉज प्रिटी गुड। मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आ गई, पता नहीं क्यों बट आ गई। उसके अलावा भाई स्टोरी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं एंड भाई मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी ही ज़्यादा मतलब इस टाइप की सीरीज है कि तुम मतलब बैठ के देख सकते हो इसे। लाइक काफ़ी लंबा टाइम भी अगर ये ले रही है तो भी तुम्हें उससे दिक्कत नहीं होती। हालांकि मैं रिकमेंड करूँगा इन्हें कि अगर आपने पहले जो एपिसोड बनाए वो 40 से 50 मिनट के हैं, आपने 8 एपिसोड बनाए, तो कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपको दूसरे में भी 8 ही बनाने हैं। इसके अंदर 8 बनाने के चक्कर में उन्होंने 1 घंटा से लेकर 1 घंटा 20 मिनट तक इस चीज़ को खींच डाला है, जो कि उन्होंने डिवाइड करके ये कर सकते थे 12 एपिसोड के अंदर। बट ठीक है यार, ये कोई कंप्लेंट वाली बात थोड़ी है, मैं तो बस एक सजेशन दे रहा हूँ। उसके अलावा भाई इसके अंदर जो कार्ड का पूरा सीक्रेट था, ये रिवील करने की काफ़ी हद तक कोशिश होती है एंड जो भी होता है भाई ये तुम्हें अपने आप ही देखने के बाद पता चल जाएगा फेस कार्ड की रियलिटी। एंड भाई यही तरह वो मेरी तरफ से तो भाई रिकमेंडेड है, जाओ जाके देखो। एंड मेरे हिसाब से अगर तुम्हें लिसन बॉर्डरलैंड की सीज़न 1 को देख चुके होगे तो मेरे हिसाब से तुम सीज़न 2 को भी देख चुके होगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग माय बुलशिट एंड टिल देन गुड बाय, टू सी यू बाय। कुत्ते भौंकने उन्हें इग्नोर करना।